आज के सुंदर दिन पवित्र वचन के मनन के लिए मैं सचिन फिर से एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जैसे हम नैतिक जीवन के बारे में कुछ दिनों से देख रहे, तो फिर से एक बार हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या ज्ञान देता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे न्यायियों की किताब उसका 16 अध्याय वचन 19, 20 और 21। कुछ इस तरह से वहां लिखा है, तब उसने मिस दलाइला ने अपने घुटनों पर सिर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर शिमशोन के सिर के सातों लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस शिमशोन ने उसके राह पर आए हुए एक शेर को चीर कर फाट डाला, लेकिन एक शेर, लालसा व्यभिचार का शेर जो उसके अंदर था, उस शेर ने उसको हरा दिया। यहाँ पर वचन कहता है कि एक स्त्री थी जिसके साथ वो व्यभिचार के पाप में गिर गया और अपनी इच्छाएं उसे उसने बता दी, अपने जीवन का भेद उसे बताया और वचन कहता है उसके कारण उसके जीवन पर जो अभिषेक था वो निकलता गया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और अंत में उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो बंदी बन गया। प्रियो, हमारे अंदर बहुत सारी लालसाओं की इच्छाओं का शहर है। बहुत बार ऊपरी और बाहरी दुनिया में हम जीतते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े होनहार लोग इस अंदरी जो लालसा और व्यभिचार का शेर है उसके सामने हार चुके हैं। अगर आप भी इस बात से जूझ रहे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी लालसा और अपनी नैतिक इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। खुद पर निर्भर ना रहे, लेकिन अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में दे दे। प्रभु आपको उस अंदर जो आपकी बैठा है लालसा और व्यभिचार का शेर, उस पर आपको विजय निश्चय हर रोज और हर क्षण देगा। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करेगा।